देखा आपने कुछ इस तरह से हमारे मुंब्रा शहर में आज जश्न ईद मिलाद मनाया गया। बार बार उलमाओं के तरफ से, यहाँ तक कि खुद हजरत मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने ईद मिलाद के मौके पर डीजे ना बजाने की लोगों से आह्वान की थी, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने बात नहीं मानी और इस तरह से आज डीजे की तेज आवाज की धुन पर इनके पैर थिरकते हुए नजर आए। अब जरा सोचिए कि इस तरह से डीजे बजाकर नाच गाना हो रहा है, वो भी ईद मिलाद के मौके पर, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसके अलावा मुंब्रा शहर की कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जुलूस के दौरान कुछ अच्छी अच्छी प्रदर्शनी रोड के किनारे लगाई गई थी, जो लोगों को खूब मनभाई है। लाखों की तादाद में लोग जुलूस में शामिल हुए थे। हजरत मोइनुद्दीन अशरफ साहब को मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलक, राजन की ने ऐसे अन्य लोगों ने सम्मान सत्कार किया है। वहीं जुलूस के दौरान कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अभाट भी जुलूस में शामिल हुए थे। जितेंद्र अभाट ने कहा है कि यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक होकर हर त्यौहार मनाते हैं। जुलूस के दौरान किसी भी तरह से कोई भी माहौल खराब ना हो, शहर में गड़बड़ी ना हो, इसलिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलक अपनी टीम के साथ खुद गश्त पर थे। इसके अलावा और भी मुंब्रा शहर के कई जगहों पर पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर तैनात की गई थी। ईद मिलाद के मौके पर जमाते इस्लामी ने एक बेहतरीन काम किया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसकी काफी तारीफ शहर में हो रही है। सुबह से चल रहे इस रक्तदान कैंप में कई लोगों ने रक्तदान किया, इनके दिए हुए रक्त से कई जिंदगियां बच सकती हैं। जश्न ईद मिलाद के मौके पर हजरत मोइनुद्दीन अशरफ साहब और कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अभाट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद जश्न ईद मिलाद के मौके पर डीजे के धुन पर किस तरह से लोगों के पैर थिरक रहे हैं उसकी भी जरा झलकियां देख लीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को ईद मिलाद उन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो, और इस मुबारक दिन लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें, भलाई काम करें, लोगों की मदद करके अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खराज अकीदत पेश करें। ईद मिलाद उन्नबी के मौके पे मैं सभी मुंब्रा वासियों को और दुनिया भर में फैले हुए सभी इंसानों को कुछ बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। कोई भी त्यौहार किसी भी धर्म का हो, वो एक धर्म का नहीं होता है, वो इंसानियत का, इंसान का त्यौहार होता है। सदियों से ये देश हमेशा हर धर्म के बारे में अपनापन बरताया है। ये आजकल के दिनों में सियासत करने के लिए लोगों में गलत चीज़ें फैलाई जाती है, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन जताया जाता है, पर ये भी समय गुजर जाएगा, क्योंकि ये देश की पानी गंगा जमनी की जो पहचान है, भारत की संस्कृति की जो पहचान है, वो एक दूसरे से जुदा करने की पहचान नहीं है।